देव नारायण भगवान की, साधु माता की, सवाई भोज महाराज की, आज हम सब यहां पर जिन्होंने अपना सारा जीवन इस देश की सेवा के लिए लगाया, सीमा पर देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान की और सेना के लौटने के बाद उन्होंने विश्राम नहीं किया, एक ऐसा योद्धा जिसके जीवन में कभी विश्राम नहीं था। और उन्होंने जब गांव में आते थे, देखते थे कि हमारे गुजर समाज के लोग या पिछड़े समाज के जो लोग हैं, इस 75 वर्षों के इस लंबे आजादी के कार्यखंड के बाद भी शिक्षा उनके द्वार तक नहीं पहुंची, उन्होंने खुद ने कठिन परिस्थितियों के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर, सेना में भर्ती होने के बाद उनके मन में लगातार ये उस समय का बदलाव है कि मुझे देश सेवा के बाद इस समाज की सेवा करनी है। और हमारी संस्कृति में है कि जब तक हम समाज को नहीं बदलेंगे, समाज की को दिशा नहीं देंगे, समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, देश को नहीं बढ़ा सकते। और इसलिए उन्होंने उस समय कठिन परिस्थितियों के अंदर सेना से लौटने के बाद एक लंबी जिंदगी का फिर एक नया संघर्ष शुरू कर दिया। गांव गांव ढानी ढानी जाकर उन्होंने समाज में अलग जगाया कि हमारे बेटियों को पढ़ना है, बेटों को पढ़ना है, हमें एक शिक्षित समाज बनाना है, समर्थ समाज बनाना है। जब समाज शिक्षित होगा, समर्थ होगा, तो देश समर्थ होगा, क्योंकि देश उनके लिए सबसे पहले था। वो जानते थे कि देश को आगे बढ़ाना है, समर्थ बनाना है, दुनिया में भारत को नेतृत्व करना है, तो हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका नया चिंतन, नया सोच, नया विचार दुनिया में भारत को आगे ले जाएगा। और इसीलिए उन्होंने जो समाज पिछड़े समाज थे, गुजर समाज वो जंगलों में रहते थे, स्कूल निवा करते थे, रेबारी समाज घर छोड़कर किलोमीटर तक जाते थे, बंजारा समाज, ऐसे छोटे छोटे समाज जो पिछड़े समाज थे, उन्होंने समाज के अंदर एक नई ऊर्जा दी, नई शक्ति दी और एक लंबी यात्रा शुरू की। लेकिन वह कभी थके ना, झुके ना। कर्नल जी के व्यक्तित्व को जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना उनकी, मैं घर पे गया था उनके, एक छोटे से गांव के अंदर भी एक सादगीपूर्ण जीवन जीना, जिनकी एक बेटी इनकम टैक्स में हो, एक बेटा जनरल हो, एक बेटा बड़ी कंपनी में हो, सारा परिवार समर्थ हो, शिक्षित हो, लेकिन मन में एक पीड़ा कि मेरा परिवार समर्थ है, शिक्षित है,
लेकिन मेरा समाज शिक्षित समर्थ नहीं है जब तक मैं मेरे बेटे बेटियों को समर्थ शिक्षित नहीं कर दूंगा। संपूर्ण समाज में थकूंगा ना, निराश ना होऊंगा। और आप देखें कि इतनी उम्र होने के बाद भी उनका अनवरत संघर्ष चलता रहा। और संघर्ष में उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। ये गुजर समाज का इतिहास है, ये विरासत है। आजादी के पहले आप देखें तो हम इतिहास की कई गौरवशाली कथा बता सकते हैं। बिजोलिया का किसान आंदोलन हो, और उस किसान आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों का आंदोलन खड़ा करने का काम किया तो विजय सिंह जी पथिक जी ने किया। उस समय राजाओं के वंश को बचाने के लिए जिन्होंने अपने बेटे बेटी को बलिदान किया वो पन्ना था भी समाज की। राम प्यारी भी समाज की थी। इस समाज के जिनेश सिंह जी को कितने नाम लूं, अनवरत लोग थे जिन्होंने अपने जीवन उस स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिया। स्वतंत्रता संग्राम के पहले राजाओं के साथ युद्ध के अंदर उनका त्याग बलिदान था, और फिर आजादी के बाद देश की सीमाओं पर रक्षा करने के लिए कितने नौजवानों ने बलिदान देने का काम किया। एक गौरवशाली इतिहास, जिसकी इतिहास की हम अगर विरासत को याद कर अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे, और जो अपने समाज की विरासत संस्कृति इतिहास को याद रखेगा उससे प्रेरणा लेगा तो जीवन में हमेशा नए अध्याय को शुरू करेगा। सईका बहन ने कि पटरी की तरह उनका लक्ष्य था, चलते रहो जब तक अपने गंतव्य स्थान पर रहो, चाहे धीरे चलो चाहे स्पीड पे चलो, लेकिन विश्राम जब ही होगा जब उसका लक्ष्य पूरा होगा। सुनीता जी आगे बढ़ रहे हैं, विजय भैंसला जी लगातार राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाते हैं, समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। मेरे मन में एक घटना हमेशा कहीं ना कहीं बैठ गई है। मैं जब सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन करके आ रहा था तो मुझे चार पांच बेटियां आती हुई मिली डेनिल के, वहां पर मैंने देखा ये चार पांच बेटियां बड़ी उत्साह उल्लास से साथ जा रही है। मैंने कहा बेटियां कहां जा रही हो, कि हम सिंथेटिक ट्रैक उद्घाटन में आए। मैंने कहा मैं ये पीछे मेरी गाड़ी है आपको सुनने, हम पैदल जाएंगे। मैंने कहा कि देव नारायण छात्रावास से कहा कि कोई बूढ़ा दीप कोई दिगोद के पास की, वो बेटियां भी मुझे रास्ते में दिखी थी। मेरे मन में एक बात आई, अगर ये देवनारायण छात्रावास न होता तो कोई पिता अपनी बेटी को यहां पढ़ने नहीं भेजता, और अपनी बेटी को पढ़ने नहीं भेजता तो वो कैसे जीवन के उस लक्ष्य की शिक्षा प्राप्त कर सकता। पहले मेरे पास कई लोग छात्रावास के लिए पैसे मांगने आते थे तो मैं थोड़ा आगे पीछे होता था, लेकिन उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि अगर हमें हमारी बेटियों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देना है, संस्कारी शिक्षा देना, उच्च शिक्षा देना है, तो दूर दराज के गांव के अंदर प्रारंभिक माध्यम शिक्षा से उसके जीवन को नहीं बदल सकते। और मैं गांव में जाता हूं, जब आज भी मैं गांव धोरी गांव में गया तो वहां की बेटियों ने कहा हमारे यहां स्कूल 8 फीट तक है, हमारे माता पिता में 5 किलोमीटर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने नहीं भेजते। हम कैसे बदलेंगे समाज को, कैसे देश को बदलेंगे? हमें नई सोच लाना होगा, नया परिवर्तन लाना होगा। और ये सोच परिवर्तन जब आएगा, जब हमारी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर बढ़ेगी। और इसीलिए
जहां भी गुर्जर समाज महिला छात्रावास बनाएगा मैं उनके साथ खड़ा हूं। आधा धन समाज देगा, आधा धन हम देंगे, नए छात्रावास का निर्माण कराएंगे। हमारी समाज की हर बेटी केवल इसलिए कि मेरा गांव शहर से दूर है, मेरे माता पिता मुझे पढ़ने नहीं भेज सकते, उस छात्रावास के अंदर अच्छी शिक्षा भी होगी, संस्कार भी होंगे और अच्छी शिक्षा और संस्कार से नए भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए अगर नया भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत बनाना है तो समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलना होगा। जो हमसे पिछड़ गए हैं उनको सबसे आगे लाना होगा, और यही लड़ाई कर्नल साहब ने लड़ी थी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, डॉक्टर बीएस गोचर साहब बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ रहे थे, कर्नल साहब हमेशा प्रेरणा देते रहे, उनके जीवन के इतिहास, उनका संघर्ष, जितना नौजवान पढ़ेगा उतना ही अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ देकर प्रेरणा प्राप्त करें। जो इतिहास है, जो महापुरुष है, जिनका योगदान, जब मैं केंद्रीय कक्ष में जब देश के अलग अलग राज्यों के विद्यार्थियों को बुलाता हूं और जिन महापुरुषों का योगदान आजादी के आंदोलन में, आजादी के बाद आंदोलन में, निर्माण में रहा, उनके कहता हूं उनके जीवन दर्शन को पढ़ो। तो जब बच्चे वहां से उनके जीवन दर्शन को, उनके जीवन को पढ़ने के बाद डिबेट में आते हैं तो नई प्रेरणा, नई ऊर्जा लेकर जाते हैं। इसी तरीके से कर्नल साहब इस गांव में उनकी मूर्ति से सब समाज के लोग, नौजवान लोग नई ऊर्जा लेकर जाएंगे, नई प्रेरणा लेकर जाएंगे। और हमारा लक्ष्य होगा कि समाज की हर बेटी को, समाज के हर बेटे को न धन का अभाव कमी आएगा, न उसके लिए छात्रावास की कमी आएगी, एक नया समर्थ नया भारत बनाएंगे और गुर्जर समाज का जो इतिहास है, जो उनके योगदान है, उस इतिहास योगदान को हम सब सामूहिकता से मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समाज की बेटियों की जो बात की, बेटियां पढ़े, बेटियां आगे बढ़े, एक नारा भी लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने, उनमें से ही बेटियां श्रीमान डॉक्टर बद्री गोचर गुरुकुल कॉलेज, और उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। जो उन बेटियों को मैं बुला रहा हूं, सुपुत्री लक्ष्मी चौहान, बेरूलाल जी चौहान, दौलतगंज कक्षा 12th में जिन्होंने 95% अंक प्राप्त किए, जो वर्तमान में डॉक्टर की तैयारी कर रही हैं, मैं एक साथ नाम ले रहा हूं।